समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सस्पेंस यही है कि नवाब मलिक को जमानत मिलेगी या ईडी की हिरासत में भेजा जाएगा। इस पर जिरह तो खत्म हो गई है लेकिन फैसला अभी नहीं आया है और किसी भी पल ये फैसला आ सकता है कि नवाब मलिक को रिमांड पर भेजा जाएगा या फिर जमानत मिल जाएगी। 14 दिन की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा की गई है नवाब मलिक पर। ये पूरी जो ईडी का मामला था इस पर एक लंबी पूछताछ के बाद आज दोपहर में उनकी गिरफ्तारी हुई और किसी भी क्षण कोर्ट का फैसला आ सकता है क्योंकि बहस दोनों ही पक्षों के द्वारा खत्म कर दी गई है। फैसले का इंतजार। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, क्या अपडेट, क्या विलंब, कितनी देर में आ सकता है फैसला? देखिए, जो जज हैं वो अपना फैसला सुनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। चूंकि आप देखिए बहुत लंबी जिरह लगभग 4:45 बजे से शुरू हुई थी और दोनों पक्षों ने बहुत लंबी जिरह की है तो इसको अपने ऑर्डर में मेंशन करने के लिए वक्त लगेगा। तो बिल्कुल वो प्रक्रिया चल रही है और हमारी भी निगाहें टिकी हुई है मोबाइल स्क्रीन पर क्योंकि मेरे सहयोगी सूरज कोर्ट रूम में मौजूद है और वहां से वो अपडेट करेंगे, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार क्या ईडी की कस्टडी मिलती है या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, तैयारी यहां पर हो गई है, जो रूट है वो क्लियर करा दिया गया है। यहां पर जो स्थानीय मुंबई पुलिस की टीम है वो यहां पर मौजूद है, उन्होंने पूरा रूट क्लियर करा रखा है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो गाड़ियों की मूवमेंट पर। और देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी यहां पर की गई है, पुलिसकर्मी तैनात है और सड़क के दूसरे छोर पर आपको कुछ लोग नजर आएंगे। दरअसल ये सभी एनसीपी के नेता कार्यकर्ता हैं जो अपना समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, पर पुलिस ने वहां भी बंदोबस्त बना रखा है ताकि वहां किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो और सड़क के दूसरे छोर पर उन्हें रोक दिया है। बिल्कुल हम सबकी निगाहें टिकी हुई है कोर्ट पर चूंकि ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। दोनों पक्षों की जिरह पूरी हो चुकी है और जो दलील दी गई थी उसके आधार पर ईडी ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की है और जिसका विरोध अमित देसाई ने किया हुआ है नवाब मलिक के वकील का। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां हो चुकी है और जैसे ये फैसला आएगा गाड़ियों की मूवमेंट बहुत तेज होगी और ये जो आप रास्ता देख रही हैं इसी रास्ते से होते हुए गाड़ियां तेजी से निकलेंगी। अगर ईडी कस्टडी मिलती है तब तो आज रात नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर में ही रहना होगा और आने वाले कुछ दिन बिताने पड़ सकते हैं ईडी दफ्तर में, और अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। तो निगाहें टिकी हुई है, यही रास्ता है जहां से गाड़ियों का कॉन्वॉय निकलेगा और बिल्कुल निगाहें टिकी हुई है। तस्वीरें हमें मृत्युंजय दिखा रहे हैं कोर्ट के बाहर से और जैसे ही कोई फैसला आएगा फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।